Hello, so let's start. Our first question is, in which of the following do these lines occur? ये line कहाँ पे आती है? Poets don't write for poets alone, but for men. Poet केवल poet के लिए ही नहीं लिखता, मतलब वो केवल लिखने के लिए नहीं लिखता, but for men. वो एक man के लिखता है. बोला है ना, Wordsworth की है ये. Wordsworth ने बोला है ना कि हमें एक common man की language में लिखना चाहिए. The poet must descend from this supposed height, and in order to excite rational sympathy, he must express himself as other men express themselves. मतलब to excite rational sympathy, rational sympathy को excite करने के लिए he must express himself, उसे खुद को express करना चाहिए as other men express themselves, जैसे दूसरे व्यक्ति करते हैं खुद. मतलब ए मैन स्पीकिंग टू मैन की बात कही है ना विलियम वर्ड्सवर्थ ने, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में लिखना है, मतलब वो केवल अपने लिए ही नहीं लिखता. ये हुई प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में. ओके, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ पोएम बाई वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज. इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था 1798 में आया था. कोलरिज ने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया है 4 पोएम में, और जो रेस्ट ऑफ 19 पोएम है वो उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? वर्ड्सवर्थ का. और जो ये कलेक्शन है इट्स ए लैंडमार्क ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म, इसको लैंडमार्क माना जाता है इंग्लिश रोमांटिसिज्म का. ओके, इसकी जो लिरिकल पैलेट की फर्स्ट फॉर्म थी वो थी द राइम ऑफ द एनिसेंट मार्नर. ओके, और जो इसकी लास्ट थी वो थी टिंटन एबे. ओके, नेक्स्ट चलेंगे शेक्सपियर इमेजरी एंड व्हाट इट टेल्स अस. शेक्सपियर की इमेजरी एंड व्हाट इट टेल्स अस, और यह हमें क्या बताती है. 1935 में आई थी ये, किसने लिखी थी ये बताना है. कैरोलिन स्पर्जन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखना है. ओके, जो कैरोलिन स्पर्जन थी उन्होंने ना शेक्सपियर के नाटकों की कल्पना के अध्ययन से उन्हें पता चलता है कि जो शेक्सपियर के विचार हैं और जो नाटकों के विषय हैं और पात्र हैं उन पर कितना प्रकाश डाला जा सकता है. ये किया कैरोलिन स्पर्जन ने, एक स्टडी की, मेड द स्टडी ऑफ इमेजरी शेक्सपियर. ओके, नेक्स्ट चलेंगे हु कॉल्ड किंग लियर ए कॉमेडी ऑफ ग्रोटेस्क. किसने बोला किंग लियर को ए कॉमेडी ऑफ ग्रोटेस्क? जी विल्सन नाइट ने. जी विल्सन नाइट की एक द व्हील ऑफ फायर सुना होगा आपने, उनकी ये भी है, उन्होंने ये भी लिखा था. ओके, अच्छा, किंग लियर को चार्ल्स ने क्या बोला था? इट इज अनएक्टेबल, मतलब इसको इतनी मार्मिक है ये किंग लियर की स्टोरी कि इसको स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया सकता, ये अनएक्टेबल है मतलब. ओके, और नेक्स्ट चलते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले शेक्सपियर अपीयर एन इंडियन बॉय. शेक्सपियर अपीयर होता है एक इंडियन बॉय में. ये है ए मिडसमर नाइट ड्रीम, 1595-96 के आसपास आया था. इट्स ए कॉमेडी विच पोर्ट्रे द इवेंट सराउंडिंग द मैरिज ऑफ द ड्यूक ऑफ एथेंस. ड्यूक ऑफ एथेंस कौन? थीसिस एंड हिपोलिटा. ओके, इट्स ए सेकेंड शॉर्टेस्ट प्ले. सबसे मतलब शेक्सपियर के जितने प्ले हैं उसमें शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है? द कॉमेडी ऑफ एरर. ओके, अगर पूछा जाए कि सेकेंड शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है, ए मिडसमर नाइट ड्रीम. ओके, नेक्स्ट चलेंगे. वैन वी आर बोर्न, जब हम जन्म लेते हैं ना, वी क्राई, हम रोते हैं, दैट कि वी आर कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल, कि हम आ चुके हैं इस मूर्खों के दुनिया में, ग्रेट स्टेज ऑफ फूल में आ गए हैं, हम रोते हैं. ये लाइन कहाँ पे अपीयर होती है? ये लाइन है किंग लियर की, एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट की ही लाइन है ये. ओके, अनइजी लाई द हेड दैट बियर्स द क्राउन. ये रिपीटेड है प्रीवियस ईयर में, याद रखना है आपको. ये लाइन अपीयर हुई है हेनरी फोर्थ पार्ट टू, शेक्सपियर का है ये आपको पता ही होगा. इस लाइन में ये कहना चाह रहे हैं अन इजी लाई द हेड दैट बियर्स द क्राउन, मतलब जो क्राउन पहन लेता है ना, जो राजा बन जाता है, उसके पास बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. ऐसा नहीं है कि राजा बन गया तो बस, जैसे जैसे हम किसी अचीवमेंट को हासिल करते हैं, कुछ लेते हैं, तो हमारे पास रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आती है ना,
इस सेंस में बोला है, मतलब कहने का ये है, ए पर्सन हु हैज ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी सच एज ए किंग, जैसे कि एक राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज कॉन्स्टेंटली वरीड, वो लगातार चिंता में रहता है, एंड देयर फोर डजंट स्लीप साउंडली, इसलिए वो ठीक से सो भी नहीं पाता. नेक्स्ट, आई वेस्टेड टाइम एंड नाउ दो टाइम वेस्ट मी, पहले मैंने समय को बर्बाद किया और अब समय मुझे बर्बाद कर. ये लाइन कहाँ से है? रिचर्ड सेकंड की लाइन है. कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है, मतलब ये कहना चाह रहा है, ये जो स्टेटमेंट दिया है एक लैमेंट है, एक बिलाप है, जैसे हम कुछ काम टाइम पे नहीं करते और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं, तो इसी सेंस में बोला है, एक लैमेंट है. इसमें ये बोला है कि मतलब वो लैमेंट कर रहा है अबाउट व्हाट कुड हैव बीन डन, जो किया जा सकता था टू प्रिवेंट ए कैटास्ट्रोफी, मतलब एक तबाही को रोकने के लिए किया जा सकता था लेकिन वो नहीं किया गया, तो जब करना था तब नहीं किया, यही हुआ ना, पहले मैंने टाइम को वेस्ट किया, अब टाइम ने मुझे बर्बाद किया. ये लाइन है रिचर्ड सेकंड की. रिचर्ड सेकंड के बारे में हमें एक पॉइंट याद रखना है कि इट इज़ रिटन कम्प्लीटली इन वर्स. दो प्ले हैं शेक्सपियर के, एक तो रिचर्ड सेकंड और एक किंग जॉन, दोनों ही वर्स में लिखे हुए हैं कम्प्लीटली. ओके, नेक्स्ट चलेंगे. द नेटिव ह्यू ऑफ रिजोल्यूशन इज सिकल्ड ओवर विद द पेल कास्ट ऑफ थॉट, दिस इज फॉर्म. ये कहाँ से है? ये हैमलेट से है. कहने का ये है मेरी इसमें, द पेल कास्ट ऑफ थॉट, मतलब द नेटिव ह्यू ऑफ रिजोल्यूशन, जो हमारी जो नेचुरल स्टेट होती है डिटर्मिनेशन की, वो क्या होती है? पेल कास्ट ऑफ थॉट, ज़्यादा सोचने से ना, थॉट से, ओवर थिंकिंग से वो कमज़ोर पड़ जाती है. मतलब अगर हम ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ की, हम ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, ऐसा इतना सोच लेते हैं कि शायद वो हो भी ना, लेकिन हम सोच लेते हैं उसको नेगेटिव पॉइंट में, मतलब नेगेटिव वे में सोच लेते हैं, तो उससे क्या होता है ना, हमारा जो साहस होता है, जो हमारा किसी काम को करने का रिजोल्यूशन होता है, डिटर्मिनेशन होता है, वो कमज़ोर हो जाता है. ये लाइन कहाँ से है? हैमलेट से है. किसी चीज के परिणाम के बारे में ज़्यादा सोचना ना, इज लाइक एन इलनेस, एक बीमारी की तरह है, जो चेंज कर देता है किसको, हमारा जो हेल्दी कॉम्प्लेक्शन होता है ना, किससे? विद ए पेल कास्ट, यही बोला है ना, विद द पेल कास्ट, उससे ना हमारा जो वो होता है हेल्दी कॉम्प्लेक्शन होता है, उसके कलर को भी वो चेंज कर देता है. ओके, नेक्स्ट, द टायरनी ऑफ द ओपन नाइट इट्स टू रफ फॉर नेचर टू इंड्योर. कहाँ की लाइन है? कैंट की लाइन है. कैंट को किंग लियर ने निकाल दिया था, आपको अच्छे से पता होगा, जब वो किंग लियर कोर्डेलिया को निकालता है तो कैंट उसके फेवर में बोलता है कोर्डेलिया के, कि ये आपकी मतलब अच्छी बेटी आपको प्यार करती है, लेकिन चूंकि उस समय किंग लियर किसी की नहीं सुनता तो वो कैंट को भी निकाल देता है, तो ये खुद को डिस्गाइज कर लेता है, मतलब भेस बदल लेता है. तो यहाँ पे इस लाइन में ये बोला जा रहा है, द टायरनी ऑफ द ओपन नाइट, जो ये ओपन नाइट है ना, इज टू रफ, बहुत ज़्यादा रफ है, फॉर नेचर टू इंड्योर, इंड्योर मतलब सहन करने के लिए. कहने का मतलब ये है कि कैंट जो है क्या कर रहा है, वो कहना चाह रहा है कि जो टू नाइट स्टॉर्म, जो आज रात का स्टॉर्म है ना, तूफान, इज टू रफ, बहुत ज़्यादा रफ है, फॉर ह्यूमन नेचर टू इंड्योर, ह्यूमन नेचर को सहन करने के लिए. लेकिन किंग लियर को कह रहा है वो कैंट, लेकिन किंग लियर फिर भी मना कर देता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द स्टॉर्म से. ओके, नेक्स्ट चलेंगे. इन विच प्ले बाय शेक्सपियर डू वी फाइंड विडो क्यून्स, जो विधवा रानी हैं वो क्वेश्चन कर रही हैं द अजम्पशन ऑफ द मेल पॉलिटिक्स. इन विच प्ले, किस प्ले में वो शेक्सपियर के हमें किस प्ले में ऐसा मिलता है कि जो विडो हैं, जो विधवा रानियां हैं, वो क्या कर रही हैं, क्वेश्चन कर रही हैं, सवाल उठा रही हैं मेल पॉलिटिक्स की, मतलब जो पुरुष राजनीति है उसकी धारणाओं पर, किस प्ले में, ये बताना है. रिचार्ड थर्ड में. ओके, रिचार्ड थर्ड आपको पता है, इट्स सपोज टू बी हंस्ड बैक, मतलब कुबड़ा था रिचार्ड थर्ड इस प्ले में. ओके,
द वर्ड सैडिज्म इज ड्राइव फ्रॉम, जो वर्ड सैडिज्म है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है नोटोरियस फ्रेंच राइटर मार्क डी सैडे. ओके, सैडिज्म क्या होता है? सैडिज्म जो है एक टाइप ऑफ बिहेवियर होता है इन विच ए पर्सन ऑब्टेन्स प्लेजर, एक व्यक्ति को आनंद मिलता है. मतलब आनंद मिलता है कैसे? टू हर्ट अदर पीपल, दूसरे लोगों को हर्ट करके, या फिर उनको मेकिंग देम सफ़र फिजिकली और मेंटली, फिजिकली या मेंटली उन्हें हर्ट करके उस व्यक्ति को प्लेजर मिलता है, उसको ही सैडिज्म बोलते हैं. ओके, तो ये जो है ड्राइव किया गया था, नोटोरियस थे, मतलब नोटोरियस तो आपको पता ही है, जो इनफेमस होता है, ख्यात होता है, एक फ्रेंच राइटर थे. हु रोट मेटाफिक्शन? मेटाफिक्शन किसने लिखा है? मेटाफिक्शन लिखा है पैट्रिसिया वो. ओके, जो वर्ड है मेटाफिक्शन वो कॉइन तो किया गया था विलियम एच गैस के द्वारा इन एन एस्से फिलोसफी एंड द फॉर्म ऑफ फिक्शन, लेकिन जो ये पॉपुलराइज किया गया था, मतलब वो पैट्रिसिया ने किया था. तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर यही हो गया. प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो हमने आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही लिखे हैं. ओके, नेक्स्ट चलेंगे. द टर्म द लॉस्ट जनरेशन इज यूज टू रिफर टू, जो लॉस्ट जनरेशन टर्म है वो किसको रिफर किया जाता है? वो रिफर किया जाता है अमेरिकन राइटर्स ऑफ द डिकेड फॉलोइंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट, जो फॉलो जिन्होंने मतलब फॉलो किया है द वर्ल्ड वार फर्स्ट. जो मतलब लॉस्ट जनरेशन है, मतलब वो ऐसी जनरेशन को बोला गया जो मतलब जो इनहेरिटेड वैल्यूज़ थी ना, विरासत से जो मिली वैल्यूज़ थी वो वर नो लॉन्गर रिलेवेंट इन द पोस्ट वर्ल्ड वार, मतलब वर्ल्ड वार के बाद वो रिलेवेंट नहीं रही थी. तो इसलिए ऐसी जनरेशन को बाद में मतलब क्या बोला गया? लॉस्ट जनरेशन बोला गया, क्योंकि जो पहले की विरासत में मिली वैल्यूज थी उनकी तो वर्ल्ड वार के बाद कोई वैल्यू ही नहीं रही, तो इसलिए उसको लॉस्ट जनरेशन बोला गया. ओके, डिक्शन मीन्स, डिक्शन मतलब सिंटैक्स और वर्ड ऑर्डर. डिक्शन के थ्रू एक राइटर क्या करता है, इफेक्टिवली कोई आइडिया, पॉइंट ऑफ व्यू या फिर स्टोरी बताता है. ओके, नेक्स्ट. स्ट्रोफी एंटीस्ट्रोफी एंड इपोज फॉर्म ए थ्री पार्ट स्ट्रक्चर, उसे क्या कहते हैं ये बताना है. उसे कहते हैं ए क्लासिक ओड. ए क्लासिक ओड ना, ए क्लासिक ओड इज स्ट्रक्चर इन थ्री मेजर पार्ट, तीन मेजर पार्ट में उसको स्ट्रक्चर्ड किया जाता है. स्ट्रोफी एंटीस्ट्रोफी एंड द इपोज. जो एंटीस्ट्रोफी होता है वो फॉलो करता है स्ट्रोफी को और आगे फिर प्रोसीड करता है द रिपोर्ट, रिपोर्ट को. अच्छा, जो कोरल ओड होते हैं ग्रीक के, ग्रीक ड्रामा के, उसमें जो ये पार्ट है ना, स्ट्रोफी एंटीस्ट्रोफी और रिपोर्ट, इनको ना परफॉर्म किया जाता है एक स्पेसिफिक मोमेंट में कोरस के. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ, ड्यूरिंग द स्ट्रोफी, स्ट्रोफी के दौरान जो कोरस होता है, जो कोरस है वो मूव होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑन द स्टेज, स्टेज पे. ड्यूरिंग द एंटीस्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी के दौरान इट मूव्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये मूव होता है कहाँ से? लेफ्ट से राइट तक. ओके, नेक्स्ट चलेंगे. ब्रीफ स्टोरी, एक संक्षिप्त सी कहानी है टोल्ड, जो कही गई है टू इलस्ट्रेट ए पॉइंट, एक पॉइंट को इलस्ट्रेट करने में, मतलब वर्णन करने में, और सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, ऑफन शोइंग करेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल. प्राय क्या दिखाता है? एक इंडिविजुअल का करेक्टर, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे एनेक्डोट. एक शॉर्ट सी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट, मतलब किसी व्यक्ति या घटना के विषय में कोई रोचक सी लघु कथा, उसको एनेक्डोट बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट. ए बर्थ दैट मेक्स फन ऑफ अनदर वर्क, एक ऐसा काम जो दूसरे काम का मजाक बनाता है बाई इमिटेटिंग, इमिटेट करके कुछ एस्पेक्ट ऑफ द राइटर्स स्टाइल, राइटर के स्टाइल के, उसे क्या कहते हैं ये बता दें. उसे बोलते हैं पैरोडी.
ओके पैरोडी जो होता है ना एक क्रिएटिव वर्क होता है जो डिज़ाइन किया जाता है टू इमिटेट या फिर कमेंट ऑन उस पर कमेंट करने के लिए या फिर मोक मतलब मजाक बनाने के लिए इट्स सब्जेक्ट बाय मींस ऑफ सटैरिकल और आयरनिक इमिटेशन मतलब उसको नकल करके किसी वर्क का मजाक बनाया जाता है इमिटेट करके उसकी ओके नेक्स्ट द यू वी सेंट मोटिफ मीन्स इसका मतलब क्या है इसका मतलब होता है इसका जो लिटरली मीनिंग है वो है वेयर आर दे मतलब वेयर आर फॉर्मूला फॉर लेमेंटिंग द पास्ट पास्ट पे लेमेंट किया जा रहा है मतलब ब्लाब एक जो ये है मतलब एक इसमें जो होता है एक रिटोरिकल क्वेश्चन होता है रिटोरिकल तो पता ही है ना रिटोरिकल मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें आंसर जानना ही नहीं है हमें सिर्फ मतलब क्वेश्चन करना है लेकिन हमारा आंसर क्वेश्चन में छुपा हुआ है तो इसमें मतलब इसका मीनिंग यही हुआ वेयर आर दोज हु वर बिफोर अस वो अब कहाँ हैं जो हमसे पहले थे ओके नेक्स्ट मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोस सिग्निफाई मिथ जो है ग्रीक जो वर्ड है मिथोस उससे लिया गया है वो किसको सिग्निफाई करती है वो सिग्निफाई करती है स्टोरी प्लॉट ट्रू या फिर इन्वेंटेड मतलब कोई ऐसी स्टोरी या प्लॉट या तो वो सच हो या फिर वो क्या की गई हो इन्वेंटेड आपने तो मिथ वर्ड ऐसे भी सुना होगा मतलब क्लासिकल ग्रीक में जो मिथ है उसमें सिग्निफाई किया जाता है किसी भी स्टोरी या प्लॉट को चाहे वो वेदर इट इज ट्रू और इन्वेंटेड ओके पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड बाई पुलित्जर प्राइज अवार्ड द्वारा मतलब पुलित्जर प्राइज जो दिया जाता है पुलित्जर प्राइज का जो अवार्ड है वो दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है ये बताना है ये दिया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क ओके जो कोई किसी की आउटस्टैंडिंग पब्लिक सर्विस हो या फिर अचीवमेंट हो इन अमेरिकन जर्नलिज्म लेटर्स में या फिर म्यूजिक में उनको दिया जाता है ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क द्वारा ओके याद रखेंगे नेक्स्ट द थीम ऑफ द प्रोलेटेरियन नॉवल प्रोलेटेरियन नॉवल की थीम क्या है इसकी थीम है वर्किंग क्लास जो प्रोलेटेरियन है इसका मीनिंग ही है एक श्रमजीवी व्यक्ति मतलब वर्किंग क्लास श्रमजीवी मेहनत करने वाला व्यक्ति तो याद रखेंगे इसकी थीम जो होती है वो वर्किंग क्लास होती है ओके वर्किंग क्लास से रिलेटेड होती है द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाय डिस्टोपिया का मतलब होता है एक अनप्लीजेंट इमेजनरी वर्ल्ड डिस्टोपिया जो है एक इमेजनरी प्लेस होता है या फिर कोई कंडीशन होती है इन विच एवरीथिंग इज एज बैड एज पॉसिबल जिसमें सब कुछ उतना ही बुरा होता है मतलब जितना हो सकता है मतलब खराब से खराब कंडीशन ऐसा होता है जॉन स्टुअर्ट मिल ने पहली बार इस टर्म को यूज किया था डिस्टोपिया को इन 1868 ओके नेक्स्ट चलेंगे बीट राइटर मतलब बीट राइटर्स ने कब लिखा है इन्होंने लिखा है 1950s के टाइम पे ओके जो बीट जनरेशन है वो ना एक ग्रुप था ऑथर्स का जिनका वर्क जो है एक्सप्लोर किया गया और इन्फ्लुएंस हुआ अमेरिकन कल्चर के द्वारा कब हुआ मतलब इन्फ्लुएंस हुआ अमेरिकन कल्चर और पॉलिटिक्स के द्वारा इन द पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड एरा पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद इनका जो वर्क है वो पॉपुलराइज्ड हुआ इन्फ्लुएंस्ड हुआ एक्सप्लोर किया गया बीट राइटर्स का तो इन्होंने लिखा 1950s के टाइम पे ओके हु इज़ नोन फॉर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसको जाना जाता है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लिए जाना जाता है I.A. रिचर्ड आंसर तो लिखा ये अच्छा जो ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की टेक्निक है वो तो आपको समझ में आ गया तो जो ये जो ओरिजिनेट हुई थी एक I.A. रिचर्ड की ही बुक थी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में आई थी इसमें क्या होता है ना इसमें हम वो डिस्क्राइब करते हैं एक एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर ना जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं इंग्लिश के वो अपना क्या देते हैं अनफैमिलियर उन्हें अनफैमिलियर पोएम देते हैं
और उनसे कहा जाता है कि वो पढ़ें और सबमिट करें कुछ कमेंट्स उस पर, तो उसको ही प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बोला। मतलब प्रैक्टिकल करके, जैसे होता है ना कोई काम करके प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ऐसे इस सेंस में। तो उनसे क्रिटिसाइज करके मतलब बोला कि कुछ वर्क दिया उनको और उसमें बोला कि इस वर्क पे कुछ कमेंट दो, आपको क्या कहना है इसके बारे में। ओके नेक्स्ट चलेंगे। एज इट प्रॉप थिएटर ए वेल नोन फॉर्म इन 20th century इज, जो एजिट प्रॉप थिएटर है एक वेल नोन फॉर्म है 20th century में इज, वो क्या है, वो है मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट प्रोपोगंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म। ओके ये क्या है, जो ये टर्म है एज इट पॉप, मतलब ये लिया गया था रशियन वर्ड से एजिटेशन एंड प्रोपोगंडा, मतलब ये रिफर करता है एक एक्टिव और डेलिब्रेट स्प्रेडिंग ऑफ आइडियाज़ को डेलिब्रेटली क्या करना, स्प्रेड करना, मतलब फैलाना। तो जो ये एजिट पॉप थिएटर है एक वेल नोन फॉर्म है 20th century की, जो मतलब इस मतलब जो जानी जाती है, जो पॉपुलराइज की गई मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट प्रोपोगंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म। ओके द इंग्लिश नोवल एक्वायर्ड इट्स मॉडर्न फॉर्म इन द, इंग्लिश नोवल ने एक्वायर्ड करी है इसकी जो मॉडर्न फॉर्म है, आधुनिक जो रूप है इसका, कौन सी सेंचुरी में किया है इंग्लिश नोवल ने एक्वायर्ड, वो किया है 18th century। ओके मतलब अरे नॉवल के बारे में आपको पता ही है, यहाँ नहीं बता रहे। ओके नेक्स्ट, इफ वी आर मार्क्ड टू डाई वी आर इनफ टू डू आर कंट्री लॉस एंड इफ टू लिव द फ्यूअर मैन द ग्रेटर शेयर ऑफ ऑनर, हु सेज दिस, ये कौन कहता है, ये किंग हेनरी 5 की कोटेशन है, मतलब लाइन है। ओके इसमें ना वो डिलीवर कर रहा है, किंग हेनरी कह रहा है अपनी आर्मी से जस्ट बिफोर द बैटल ऑफ एजनकोट, मतलब बैटल से पहले वो समझा रहा है, इफ वी आर मार्क टू डाई वी आर इनफ टू डू आर कंट्री लॉस एंड इफ टू लिव, कहने का मतलब ये है कि वो ही डजंट विश फॉर मोर मैन टू फाइट विद हिम, वो चाहता ही नहीं है कि उसके साथ और व्यक्ति लड़ने के लिए आए। वो कहना चाह रहा है कि द फ्यूअर मैन द ग्रेटर शेयर ऑफ ओनर, अगर कम व्यक्ति रहेंगे तो जो उसमें ओनर रहेगा ना वो भी उसका भी वो भी उतना ही उतना बटेगा, उतना ही शेयर रहेगा। अगर ज़्यादा लोग जाएंगे युद्ध में, मतलब वार में ज़्यादा लोग जाएंगे तो जो ओनर होगा सम्मान होगा वो भी ज़्यादा लोगों में बटेगा, लेकिन अगर फ्यूअर मैन रहेंगे तो शेयर कैसा मिलेगा, बड़ा, द ग्रेटर शेयर ऑफ ओनर, ओनर का बड़ा शेयर मिलेगा, ये वो कहना चाह रहा है। तो याद रखना ये लाइन किसने बोली है, किंग हेनरी 5 ने। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, आपको एक दो बार पढ़ने हैं और याद हो जाएंगे। ओके थैंक यू।